नमो नारायण दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य 33वां अध्याय। महाराजा पृथु ने नारद जी से निवेदन किया कि हे मुनिवर, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की कृपा करें। नारद जी बोले कि हे राजन, कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। संपूर्ण घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखें। फिर तुलसी के समीप सर्वोत्भद्र चक्र बनाकर उसके समीप पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, दश दिक्पाल तथा पंच लोकपाल आदि स्थापित करें। सबसे पहले स्वस्ति वाचन करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं का षडोपचार पूजन करें। भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनावे तथा शैया दान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गो की पूजा करके गोदान करें। एक ब्राह्मण को सपत्नी भोजन कराएं और फिर दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और दंडवत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सब कार्य श्रद्धा पूर्वक करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है, उसको भी चौथाई फल की प्राप्ति होती है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 33वां अध्याय समाप्त। नमो नारायण।